हेलो दोस्तों, टेक्नोरोहेंस में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे, वैसे हमेशा होता है लेकिन आज का कंपैरिजन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे कुश्ती। हाँ, कुश्ती करेंगे हम। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स प्रो और एप्पल एयरपॉड्स प्रो को कंपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑनेस्टली आपको तो पता ही होगा मैं कोई भी एप्पल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो मैं फीडबैक वैसे कहाँ से दूंगा। लेकिन हमने इनवाइट किया हमारे फ्रेंड साकिब को, वो एक्चुअली में एयरपॉड्स प्रो इस्तेमाल करते हैं, तो रियल टाइम फीडबैक लेना मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। हम पूछेंगे उनसे कि उनको क्या क्या फीचर्स उसमें मिलते हैं और कितना अच्छा उनको लग रहा है, और देखेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स प्रो उसके मुकाबले कितना अच्छा आपको मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि आपको सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स प्रो 15,990 का मिलता है, जो काफ़ी कम प्राइस पर है अगर हम उसको एप्पल के एयरपॉड्स प्रो से कंपेयर करते हैं। वो आपको 25,000 ओनली अभी फिलहाल के लिए सेल वेल पर 21-22,000 का मिल जाता है। फिर भी दोस्तों काफ़ी प्राइस गैप है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतना गैप होने के बाद भी क्या सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स प्रो आपको उससे बेटर फीचर प्रोवाइड कर पाता है या नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके एक बहुत ही कमाल के फीचर से, जो बेसिकली सारे प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरफोन में होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। जो कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो आसपास की जो आवाजें होती है उनको इतना पता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसका मतलब बैकग्राउंड के जो नॉइज जो होता है वो उसको रिड्यूस कर लेता है, आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, वो दोनों में आपको मिलता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके अंदर, अच्छा लगता है? एक्सपीरियंस है जब आप ट्रैवल करते हो, बाइक पे रहते हो, पीछे से मम्मी डैडी चिल्लाते हैं साकी ये कर ले साकी वो कर ले, वहां ध्यान नहीं जाएगा। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो चल रहा है, खैर इसमें भी दोस्तों आपको मिलता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, लेकिन इसमें दोस्तों आपको मिलता है इंटेलिजेंट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। सुना है कभी इसके बारे में? सुना है बट यूज नहीं करने का, यूज हम करेगा इधर नहीं, है ना? ठीक है। इसका मतलब भी दोस्तों कि आप अपने हिसाब से लो और हाई पर ANC को सेट कर सकते हैं, जो एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आपको मौका मिलता है इसको कस्टमाइज करने का कि आपको किस तरीके से उसको सेट करना है। साथ में इतना ही दोस्तों, आपको चार अलग अलग इसमें मोड्स मिलते हैं एम्बिएंट मोड को सेट करने के लिए, 1, 2, 3, 4, आप वो भी अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपको इसमें ही मिलता है। उसमें मिलता है? नहीं मिलता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक और ऐसा फीचर है जो मुझे बहुत बढ़िया लगा है, बहुत ही इंटेलिजेंट फीचर है। बेसिकली क्या है कि आप जब भी इसको कानों में लगाते हैं, गाने वगैरह सुन रहे हैं, कहीं पर ऐसे एरिया में चले जाते हैं, आप जैसे बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ANC को स्विच कर लेता है एम्बिएंट मोड में, और उसके बाद डायरेक्टली जब आप चुप हो जाते आप निकल लेते वो डायरेक्टली चला जाता है ANC पर। तो ये ऑटो स्विच वाला जो फीचर है बेसिकली वो बहुत ही कमाल का आपको मिलता है, जो सिर्फ और सिर्फ इसमें मिल रहा है, किसी में नहीं मिलता है। उसमें मिलता है? नहीं, पर फिर भी आप गाना सुनता है, सुनता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनके ऑडियो क्वालिटी की। आप दोस्तों जब एक प्रीमियम ईयरफोन्स परचेस करते हैं तो ऑब्वियसली आप ऑडियो बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, और सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स प्रो में आपको 11mm वूफर्स मिलते हैं, वो तो इसमें भी मिलते हैं। अच्छा, तो एप्पल के एयरपॉड्स प्रो में भी आपको 11mm ड्राइवर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2-way 11mm वूफर्स है, जहाँ पर आपको बेटर सेपरेशन मिलता है ऑडियो के बीच में, वोकल्स वगैरह जो है ना दोस्तों वो सही तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, और जब भी आप इसमें गाने वगैरह सुनते हैं तो ऑडियो में क्लैरिटी भी आपको अच्छी मिलती है और एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है, बेस वगैरह भी आपको अच्छा मिलता है। 6.5mm ट्विटर्स आपको इसमें अलग से देखने को मिलते हैं, जो एप्पल के एयरपॉड्स प्रो में नहीं है। अब बात है दोस्तों कि मैंने उसमें भी सुना, मैंने इसमें भी सुना, और वो भी बहुत अच्छा है। जो ऑडियो एक्सपीरियंस मेरी वहां पर आई थी उसमें भी मुझे बहुत मजा आया। तो दोनों ही दोस्तों ऑडियो के मामले में काफी अच्छे, ऑब्वियसली दोनों ही प्रीमियम क्वालिटी के, लेकिन थोड़े एडिशनल फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि 2-way वूफर से 6.5mm ट्विटर अलग से उन्होंने दे दिया है, तो ये उस मामले में थोड़ा बेटर निकल कर आता है जो हमने यहाँ पर नोटिस किया था। साथ में इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें एक और चीज है दोस्तों, आपकी ऑडियो को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर रियल एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने यहाँ पर 360 ऑडियो वाला फीचर दिया है। बेसिकली इसको डॉल्बी हेड ट्रैकिंग में बोल सकता हूँ, आप जब भी गाने सुनते हैं दोस्तों इसके अंदर, तो आपको ऐसा फील आएगा, एकदम रियल एक्सपीरियंस होगा कि आवाज यहां से आ रही है, कहां से आ रही है, इधर से आ रही है, कुछ वैसे ही आपको 360 ऑडियो एक्सपीरियंस यहां पर इसमें मिलता है, जो ये फीचर है जो आपको सिर्फ इसमें मिल रहा है, आपको एयरपॉड्स प्रो में देखने को नहीं मिलता। तो ये एक चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। साथ में इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको 3 माइक्स मिलते हैं नॉइस कैंसिलेशन के लिए, वो तो इसमें भी काफी अच्छी नॉइस कैंसिलेशन मिलते हैं जब आप कॉल पे बात करते हो, तो उसमें डुअल माइक है, तो उसमें वहाँ पर 2 आपको माइक मिलते हैं नॉइस कैंसिलेशन के लिए, यहाँ पर 3 मिलते हैं, और दोनों में दोस्तों एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन यहाँ पर 2 और अच्छी चीजें जो उसमें आपको नहीं मिलती। वैसे इसमें आपको VPU यानी कि वॉइस पिकअप यूनिट और साथ में विंडशील्ड वगैरह दिया है, अगर आप कोई भी ऐसे विंडी एरिया में जाते, आप यहाँ पर गाने सुन रहे, कुछ कर रहे,
करें तो जो नॉइस कैंसिलेशन उस मामले में भी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, जो एक अच्छा फीचर है जो आपको एयरपॉड्स प्रो में देखने को नहीं मिलता है वो आपको गैलेक्सी बड्स प्रो में मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इनके डिजाइन, इनके बिल्ट कंफर्टेबलनेस की। देखिए दोस्तों दोनों ही दोस्तों दिखने में अच्छे, नॉट बैड। ये थोड़ा लाइट वेट लगता है मुझे गैलेक्सी बड्स प्रो उससे, क्योंकि ये भी अच्छा है, ये भी हाँ फील वैसे आ रहा है ऑलमोस्ट दोस्तों। लेकिन यहाँ पर गैलेक्सी बड्स प्रो में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पूरा आपके कानों में प्रॉपर फिट हो जाता है इस तरीके से, आप देखेंगे, और कितना भी सर हिला लो, आप वॉक कर लो, जॉक कर लो, ये आपके कानों से निकलता नहीं है। और साथ साथ दोस्तों मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ जब तक मैंने इसको कानों में लगाकर इस्तेमाल किया, तो ये चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर अच्छी लगी। और थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग वगैरह दिया है, देखने में भी दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। वैसे एप्पल एयरपॉड्स प्रो भी अच्छा है देखने में, वो भी लाइट वेट है, लेकिन कभी आपको ऐसा तकलीफ हुआ ऐसा पहनने के बाद? कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने में ऐसा गिरने में कुछ नहीं, नहीं। तो डंडा लटक रहा उसका क्या करेगा? हाँ, इसमें डंडी आती है, डंडी लंबी सी, हालांकि वो आजकल सारे ईयरफोन्स में होती है, लेकिन ये जो है सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो में आपको नहीं मिलता है। अच्छा लगता है, आया बड़ा। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर जो आपको गैलेक्सी बड्स प्रो में अच्छी मिलती है वो है इसका आईपी रेटिंग्स। आपको IPX7 मिलता है जो बेसिकली एयरपॉड्स प्रो में भी आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पर IPX4 है, लेकिन वो थोड़ा नीचे हो जाता है उस मामले में, आईपी रेटिंग्स के मामले में ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, हालांकि दोनों काम वही करेंगे, लेकिन ये थोड़ा बेटर है उस मामले में, मैं ऐसे ही कहूंगा। और फाइनली दोस्तों बैटरी लाइफ की बात करें तो मुझे यहाँ पर गैलेक्सी बड्स प्रो में, मैं अभी थोड़े टाइम से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर मैं विदाउट ANC की बात करूँ, ज़्यादातर ANC में इसका बाहर जाता हूँ तो ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं बात करूँ तो मुझे लगभग 7 से 8 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा मुझे विदाउट ANC सिंगल चार्ज पर इसका बैकअप मिलता है, जो मेरे ख्याल से एक अच्छा है बैकअप है, क्योंकि चेहरा देख के समझ गया मैं। और इसमें 4.5 घंटे मिलते हैं मैक्सिमम, सिंगल चार्ज। ओके, तो यहाँ पर 4.5 घंटा, लेकिन साथ में अगर चार्जिंग केस मिलाकर बोलूँ तो ये 18 घंटे तक का इसमें बैकअप मिल जाता है कंटिन्यूसली। वैसे बेसिकली कंटिन्यूस तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को 1-2 दिन आराम से चल जाता है, उसके बाद ही मैं चार्जिंग केस के साथ लगाकर फिर चार्ज करता हूँ उसमें। ये भी चल, एक बार चार्ज कर ले चार्जिंग केस में तो फिर हाँ एक दिन पूरा चल जाता है। ओके, तो वहाँ पर भी बैटरी में कुछ वैसा ही सीन है। तो फाइनली दोस्तों इतना ही इस वीडियो के अंदर, मुझे लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो प्राइस के हिसाब से अगर हम एप्पल के एयरपॉड्स प्रो से कंपेयर कर लें तो आपको ऑब्वियसली बेटर मिलता है, कम प्राइस पर है, नया भी है, और मुझे ऐसा लगा कि इसका सबसे अच्छा और बेस्ट कॉम्पिटिटर एप्पल का एयरपॉड्स प्रो होगा, इसीलिए दोस्तों मैंने उससे कंपेयर किया। अब मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैंने साकिब को बुलाया, रियल टाइम एक्सपीरियंस उसका, जो उसका फीडबैक है हमने वो लिया, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया, और दोनों को कंपेयर करके आपको बता दिया कि ये कम प्राइस पर मिलता है और आपको उससे कुछ फीचर्स जो है वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट इसमें कुछ ऐसे भी फीचर्स है जो पहली बार किसी ईयरफोन्स में मिल रहे हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट ANC 360 वो हेड ट्रैकिंग वगैरह, ऐसे बहुत सारे और भी फीचर्स है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये चेकआउट करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप वहां पर जाके चेकआउट करिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना, लाइक करिए, अगर ऐसी कंपैरिजन चाहिए रियल टाइम तो वो भी हम फ्यूचर में जरूर से करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप, अरे जाने से पहले थैंक यू वेरी मच साकिब फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू बोलेगा, बोला थैंक यू बोला ही नहीं, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।